जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो है उनके लिए जिनका धन बढ़ नहीं रहा हो और आय से अधिक जिनकी व्यय हो। ऐसे में क्या होता है कि धन अगर आता भी है तो धन टिकता नहीं है, तो धन कमाने से पहले जो है धन ऋण का रूप ले लेता है। ये मंत्र जो 108 तंत्र महादेव जी ने भगवती को दिया था उसमें से एक है। ऋण हरण गणपति इनको कहते हैं। इसमें पंच पूजा में गणपति की एक मूर्ति जो आपके घर में स्थापित हो वो पहले दिन की पूजा के लिए पंच पूजा का पूरा सामग्री होना चाहिए, जिसमें घी का दीपक हो, धूप हो, पीले फूल हो, पीला फल हो और अष्टगंध हो। ये पहला दिन चढ़ाना जो है ये बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको कितने दिन की साधना करनी है ये आप पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि एक वर्ष तक अगर इसकी साधना की जाए, इस मंत्र का सिर्फ एक माला जाप हो, तो जिसके ऊपर घोर दरिद्रता हो, घोर दरिद्रता, तो घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और उसके पास धन ही नहीं आ जाता है, वो धन का जो है बहुत सारे धन का जो है मालिक बन जाता है। और अगर मात्र 6 महीने आदमी जाप करता है तो ज्ञान और धन दोनों उसके पास आता है, ठीक है। और इस मंत्र को अगर किसी विपत्ति में आप याद कर लेते हैं तो सिर्फ ध्यान मात्र से जो है भूत प्रेत या किसी भी तरीके का बाधा दूर हो जाता है। तो सबसे पहले गणपति जी का पंच पूजा कर, जो शुरुआती पूजा है वो कर ले। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। कैसे विनियोग होगा? अस्य श्री ऋण हरण कृते गणपति स्त्रोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री ऋण हरते गणपति देवता ग्लौम बीजम गह शक्ति गौम कीलकम मम संकल्पेन नाशने जपे विनियोग, ठीक है। इसके बाद अंग न्यास करेंगे, तो इतना बोल करके जल को जो है नीचे आप प्रवाहित कर देंगे और उसके बाद अंग न्यास करेंगे। तो ओम सदाशिव ऋषये नमः सिरसी, तो दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करेंगे। ओम अनुष्टुप छंद से नमो मुखे, मुख का स्पर्श करेंगे। ऋण हरते गणेश देवताये नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करेंगे। ग्लौम बीजाय नमः गुह्ये, जो आपका टेल बोन है उसका स्पर्श करेंगे। गह शक्तये नमः पादयो, दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे। ग्लौम कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। फिर हृदयनास हृदयादि न्यास करेंगे। ओम गणेश अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे का स्पर्श, और हृदय नमः बोल करके हृदय का स्पर्श। ऋण छिंदी तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी का स्पर्श और सिर से स्वाहा बोल के सिर का स्पर्श। वरेण्यम मध्यभ्याम नमः, ऐसा बोल के मध्यमा उंगली का स्पर्श और शिखा का, शिखाय वसठा बोलकर। हुम अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका का स्पर्श, कवचाय हुम, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर। नमः कनिष्ठकाभ्याम नमः, सबसे छोटी उंगली का स्पर्श करेंगे। और साथ में नेत्राय नमः, तो जो तीनों उंगली है मध्यमा से त्रिनेत्र का और अगल बगल की उंगली से दोनों नेत्र का स्पर्श करेंगे। फट करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, तो दोनों हाथों से दोनों हाथ का स्पर्श करेंगे और दाहिने हाथ को अस्त्राय फट बोलते हुए सर के चारों तरफ जो है 3 बार हाथ घुमा करके 3 चुटकी मारेंगे। फिर बाएं हाथ पर अपनी मध्यमा उंगली को लेंगे और तर्जनी को लेंगे और 3 बार ताली बजाएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें एक चीज समझिए, जैसे हृदयाय नमः कहा तो ओम गणेशाय अंगुष्ठाभ्याम नमः है, तो ओम गणेशाय हृदयाय नमः हो जाएगा, उस तरीके से इसको इसको पढ़ना है। उसके बाद गणपति का ध्यान करेंगे, जो भी आपको मंत्र याद है ओम
गणनंतः गणपते गुम हवम है, उससे गणपति का ध्यान कर लेंगे और फिर मंत्र जो है एक माला पढ़ेंगे। क्या मंत्र है? ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम फट। इस विषय में एक बात और बता दूं, शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन इस मंत्र का आरंभ करना चाहिए, और अगर इसका पूर्ण लाभ आप चाहते हैं हर तरीके से, तो आप 1,00,000 मंत्र जो है इसका जाप करेंगे और जीवन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये एक मंत्र है जो आपके जीवन का जो है पार घाट लगा सकता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, ये एक मंत्र है जो आपको ऋण से मुक्ति दिला करके बहुत सारा धन दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को धनाढ्य बनाए, ऐसी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।